शर्मनाक है, निंदनीय है। एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ उठने वाले हर स्वर को जिस तरीके से लाठी से दबाने का प्रयास करते हैं, छात्र हो, अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, किसान सलाहकार हो, जनप्रतिनिधि हो, हर किसी के खिलाफ लाठी को उठाना, और वो भी इतनी बर्बरता से वो लाठी भांजी जाती है कि सामने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, इससे ज्यादा निंदनीय शोभनीय कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है और ये जिम्मेदारी उनको लेनी होगी और जवाबदेही उनको तय करनी होगी कि इस हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार है। ये जिस तरीके से एनडीए की बैठक होने वाली है, जेपी नड्डा ने आपको पत्र लिखा है, 18 तारीख को क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में, एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है, पर इसमें अंतिम फैसला आज पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। जिस तरीके से मौत हुई है कार्यकर्ता की, भाई दुखद है ये। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके उनके परिवार के प्रति अपनी तमाम संवेदनाएं अर्पित करता हूं, विजय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस तरीके से एक परिवार ने अपने सदस्य को खोया, कहीं ना कहीं ये शहादत है उनकी। मुझे लगता है उनकी इस शहादत को वो उचित सम्मान कम से कम मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनकी शहादत के बाद भी सत्ताधारी पक्ष लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है, इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, ये गलत है। उन्होंने अपनी नीतियों पर अडिग रहते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया और ऐसे में जब लोग बोलते हैं कि नहीं लाठीचार्ज में नहीं, तो ऐसे उनकी जान गई वैसे जान गई, ये गलत है। सामने वाले के जाने के बाद उसको हर वो उचित सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। भाई ये सारी बातें का कोई मायने नहीं है। राजनीति में जब कोई होता है वो अपने सिद्धांतों के लिए होता है, और अगर कल को कोई गठबंधन भी होगा तो गठबंधन अपने सिद्धांतों के आधार। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।